दोस्तों, अगर आपका कोई बिजनेस है या फिर आपकी कोई शॉप है जिसके प्रोडक्ट जो है आप ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, तो वो आप जो है बिकाई ऐप के थ्रू कर सकते हैं। बिकाई ऐप को आप यूज़ करके अपना स्टोर जो है ऑनलाइन बना सकते हैं, और जो भी आपका बिजनेस है वो सारे प्रोडक्ट जो है आप वहाँ पर लिस्ट करेंगे। और ये ऐप के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि मेरे को यहाँ पर इसके चार फीचर जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद हैं। पहला है, आप यहाँ पर पिन कोड बेस्ड शिपिंग जो है वो कर सकते हो, और दूसरा फीचर आता है, आप अपने जो आपके ग्राहक होंगे, आपके कस्टमर होंगे, उनसे ऑनलाइन जो है पेमेंट ले सकते हो, जैसे पेटीएम या कोई भी किसी भी माध्यम से। और तीसरा फीचर इसका मेरे को पसंद है, जीएमसी फीचर है। इसमें यह होता है कि अगर आपका कोई भी जो है कस्टमर होगा या कोई भी क्वेरी अगर सर्च करता है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड गूगल पर, तो वो आपको जो है आपका बिकाई स्टोर से मैच खाता है, तो बिकाई स्टोर का प्रोडक्ट जो है वहां पर दिखाई देगा। और चौथा फीचर इसके अंदर आ जाता है, अबरेंट कार्ड का। ये फीचर का मतलब क्या है वो मैं आपको वीडियो के अंदर ही बताऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने बिकाई ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल करना है। इसका लिंक मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपने इसको ओपन करना होगा। जैसे आप इसको ओपन कर लेते हैं, अब आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको देखिए टॉप में ही दिख रहा है क्रिएट एंड मैनेज योर ऑनलाइन स्टोर। यहां पर कुछ बनाकर भी दिखाया उन्होंने, और क्रिएट योर वेबसाइट व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो, और यहां पर डिलीवरी के लिए आपके कस्टमर तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर डिलीवरी पार्टनर्स भी हैं। तो आपने क्रिएट करने के लिए यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना होगा, देन जो है आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके पास जो है एक ओटीपी भेजा जाएगा, और आप वो ओटीपी यहाँ पर एंटर करोगे, देन आपने सिंपली जो है लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हो, अब आपको यहाँ पर अपना जो भी ऑनलाइन स्टोर का नाम रखना चाहते हो आप उसका नाम दोगे। तो इस तरह से आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम दें, देन नेक्स्ट पर क्लिक करें। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हो, अब यहाँ से आप जो है अपने स्टोर की कैटेगरी चूज़ करोगे। तो जो भी आपने अपने स्टोर की कैटेगरी रखनी है आप उसको रखेंगे, देन आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर देखिए स्टोर जो है वो क्रिएट हो चुका है। देन यहाँ पर देखिए आपके स्टोर का नाम टॉप में ही आ गया है, और अब हमने सबसे पहले अपने स्टोर में जो है अपने प्रोडक्ट को जो है वो ऐड करना होगा। तो ऐड प्रोडक्ट करने पर आपने ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करना है, देन आप जो है यहाँ से अपने प्रोडक्ट का नाम देंगे जो भी ऐड कर रहे हैं, यहाँ से आप उसकी फ़ोटो ऐड करेंगे। तो आपके पास गैलरी में है तो आप वहाँ से ले सकते हैं, या फिर सिंपली आप सीधे अपने प्रोडक्ट की फ़ोटो जो है यहाँ से क्लिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए मैं सीधे फ़ोटो क्लिक करूँगा, तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं टैग फ़ोटो वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ से आपका देखिए ये फ़ोटो आ जाएगी जो भी प्रोडक्ट आपके कैमरे के सामने होगा। तो मैं इसी को ऐड करने वाला हूँ। जैसे आप ऐड कर लेते हो यहाँ पर, और भी प्रोडक्ट की जो फ़ोटोज़ हैं वो ऐड कर सकते हो आप, देन डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में आप जो है प्रोडक्ट के बारे में लिख दीजिए कुछ भी, जो भी प्रोडक्ट के बारे में है। देन आपने यहाँ से अपना जो है प्राइस, यहाँ पर प्राइस इसका जो भी है टैग प्राइस वो यहाँ से डालना होता है। तो यहाँ से मैंने डाल दिया है इसका प्राइस। अब इसका सेलिंग प्राइस कितना है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए कि कितने में मतलब कि लोगों को मिलेगा वो डाल दीजिए। तो इस तरह से आप बाकी के ऑप्शन भी यहाँ पर जो है वो डाल सकते हैं। जैसे मिनिमम ऑर्डर मैं तब करूँगा जब यहाँ से दो बंदे जो है दो प्रोडक्ट की क्वांटिटी होगी। तो इस तरह से जो भी आप करना चाहते हैं करें, देन आपका प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से आप जो है और भी प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। सिंगल प्रोडक्ट ये है, और अगर आपने बल्किंग में ऐड करना है 50 प्रोडक्ट तक, तो आप सेकंड ऑप्शन यूज करके इस तरह से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। यहां से मैंने दूसरा प्रोडक्ट भी जो है वो ऐड कर दिया है। देन आता है हमारे पास ऑर्डर वाला सेक्शन। तो ऑर्डर वाले सेक्शन में आपको यहां पर वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपको ऑर्डर मिले होंगे। तो अभी हमारे पास वो नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट की अभी कोई भी सेल नहीं आई है। तो यहाँ से आप जो है आपके करंट जो प्रोडक्ट हैं उनको शेयर करेंगे दूसरों के साथ में, ताकि आपको जो है प्रोडक्ट की सेल मिल सके। तो यहाँ से आप जिसको भी शेयर करते हैं अपनी कैटलॉग, अपना स्टोर, तो उनको इस तरह से व्हाट्सएप में सेंड हो जाएगा, उनको इस तरह से दिखेगा, और वो आपके लिंक को फॉलो करके जो है आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर सर्विसेज वाले सेक्शन में। तो सर्विसेज वाले सेक्शन में आपको फ्री सर्विसेज मिलती हैं, एड स्टाफ की, इंक्वायरी की, बिजनेस कार्ड, प्रोमो कोड्स है, और नीचे आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, ये है डिलीवरी पार्टनर, जिसके थ्रू जो है आप अपना प्रोडक्ट जो है वो बायर तक पहुँचा सकते हैं इनके थ्रू। अब बात करते हैं वीआईपी सर्विसेज में। तो ये एक प्लान है इनका
जो आपको ये सर्विसेज देता है, लेकिन ये आपको मंथली और एनुअली जो है वो परचेज करना होगा। देन इनके पास आता है अल्टीमेट सर्विस प्लान जो कि इतने प्राइस में है, और इसकी जो सर्विसेज हैं वो आपको आपके सामने दिख रही है, जैसे थीम सेटिंग कर सकते हो, गूगल का एनालिटिक्स है, बी टू प्राइजिंग है, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो अल्टीमेट प्लान में मिल जाती हैं। और इसका कंपैरिजन भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा कि अल्टीमेट प्लान में क्या है, क्योंकि मेरे पास एक अल्टीमेट प्लान जो है वो मेरे लिए है। तो ये देखिए, ये है मेरा अल्टीमेट स्टोर जो कि मैंने यहाँ पर कर रखा है। देखिए प्रोडक्ट जो है वो किराना स्टोर की मैंने यहाँ पर ऐड कर रखे हैं। तो इस तरह से देखिए, मैं सर्विसेज में जाकर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये सारी सर्विसेज हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर पिकर है, पिकर में आप जो है अपनी डिलीवरी जो है अपने बायर तक पहुंचा सकते हो, कस्टमर रिव्यू दे सकते हो, और फेसबुक में आप शॉप ओपन कर सकते हो, और बहुत सारे फीचर जो हैं आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि एक और डिलीवरी पार्टनर है डिलीवरी, इसके थ्रू भी आप अपना प्रोडक्ट जो है अपने बायर तक पहुँचा सकते हो। तो बहुत सारी सर्विसेज हैं, वेयर IQ है यहाँ पर, और थीम सेटिंग कर सकते हो, गूगल पर एनालिटिक्स देख सकते हो गूगल एनालिटिक्स के द्वारा, और ऑनलाइन पेमेंट भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ इनके थ्रू। अब बात करते हैं हमारी दूसरी चीज़ों की, जैसे कि हेल्प वाले सेक्शन में आप जो है बिकाई से व्हाट्सएप पर कोई भी हेल्प ले सकते हो, फ़ोन कॉल पर, लाइव चैट पर, ईमेल पर। अब बात करते हैं GMC फीचर के बारे में। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो गूगल पर सर्च कर रहे हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर दही पोट है, तो बिकाई के स्टोर का प्रोडक्ट भी आपको यहाँ पर दिखेगा। जैसे मैंने सर्च कर दिया है, और सर्च करने के बाद देखिए आप यहाँ पर, मैं जैसे नीचे को करता हूँ, तो यहाँ पर जो दही पोट 750 ml का प्रोडक्ट है भारत पोल्ट्री मार्ट का, ये बिकाई के स्टोर का ही है। तो मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पर वेबसाइट पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए, जैसे मैं वेबसाइट पर क्लिक करूँगा तो ये हमें लेके जाएगा bikai.com पर। तो ये जो है भारत पोल्ट्री मार्ट का bikai.com पर स्टोर है, तो वहाँ पर आपको मिलेगा। इसी तरह आपके प्रोडक्ट जो है वो भी दिखेंगे, तो यहाँ से कोई भी बंदा जो है अब इसको खरीद सकता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रोडक्ट की, जैसे कि आपको पिन कोड बेस्ड शिपिंग कैसे मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, ये एक और मतलब कि स्टोर है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई भी बायर आता है और कोई भी प्रोडक्ट बाय करता है, देन वो यहाँ पर जाएगा बाय खरीद करने के लिए इसको। तो जैसे ही वो बाय करता है इस प्रोडक्ट को, देखिए सिंगल प्रोडक्ट है, बाय करेगा तो उसको इस डिलीवरी पिन कोड पर जो है देखिए 40 rupees की डिलीवरी पड़ी है। तो ये जो है वो हमारे सेलर ने करी है कि 40 rupees का प्रोडक्ट जैसे ही 15 rupees नीचे होगा तो उसको डिलीवरी चार्जेस पड़ेंगे। देन यहाँ पर जो है देखिए, वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है या कैश ऑन डिलीवरी भी। अब मैं इसी का एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए, मैं यहाँ से 1500 rupees से ऊपर का यहाँ पर बाय करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ से 1500 rupees ऊपर करता हूँ और सेल करने के लिए जाता हूँ, मतलब कि बाय करने के लिए जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए डिलीवरी चार्जेस मेरे पर कुछ भी नहीं पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये फीचर है पिन कोड बेस्ड शिपिंग का। अब बात करते हैं अबंडेंट कार्ड फीचर की। तो आपको यहाँ पर देखिए, जैसे आप नीचे आएंगे कस्टमर पे, तो आपको अबंडेंट कार्ड का फीचर मिलेगा। तो अबंडेंट कार्ड फीचर का मतलब ये होता है कि अगर आपके प्रोडक्ट को कोई ख़रीदने की कोशिश करता है तो आपको उसकी डिटेल्स मिल जाती हैं, जैसे फ़ोन नंबर वगैरह। तो आपको यहाँ पर अबंडेंट कार्ड जो है ये फीचर मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो सारी डिटेल्स हैं जिन्होंने आपका प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश करी होगी। तो यहाँ पर देखिए, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाता है। तो आपने अगर देखिए, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट नहीं बिका, तो आप उनको देखिए पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर SMS भेज सकते हैं, या कॉल पर भी उनसे बात करके अपने प्रोडक्ट के बारे में बता करके उनको जो है चांसेस बढ़ा सकते हैं ताकि वो प्रोडक्ट के जो है वो खरीद लें। तो इस तरह से आप जो है बिकाए में अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं।